4 फरवरी बालासोर के खड़ुपाई 14,000 के साइक्लोन सेंटर में चांदीपुर के डीआरडीओ पीएसई की जानिब से एक रेंज सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम की सदारत पीएसई के डायरेक्टर श्री डी के जोशी ने की, तो वहीं बालासोर के एडीएम नीलू महापात्रा मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पीएसई के साइंसदानों, अफसरान और फौजी अहलकारों के साथ खुड़ुपाई, इंचुड़ी, कसमुलापाही और आसपास के गांव के तकरीबन 1,000 से ज्यादा मकामी लोग और खुड़ुपाई नोडल यूपी स्कूल के तलबा तालिबात प्रोग्राम में मौजूद रहे। वाजे रहे कि पीएसई डीआरडीओ की सबसे आला तरीन लैब में से एक है, जिसमें साइंसदानों की मुख्तलिफ टीमों और सर्विस दफातर के जरिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और खसूसी आलात साजो सामान का इस्तेमाल करते हुए गोला बारूद और हथियारों के ट्रायल की अनाकात के लिए उन्हें सख्त मुतहर्रिक बनाया जाता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए पीएसई अपनी रेंज में रोजाना कई बार फायरिंग करता है। इस कैंप का मकसद बेदारी पैदा करना और रेंज के करीब गांव में बसने वाले लोगों को इन्हीं खतरात के बारे में अवेयरनेस करना था। पीएसई के नारे सेफ्टी फर्स्ट के मुताबिक इस तरह के फायरिंग के दौरान मकामी लोगों को हिफाजती एहतियाती तदाबीर की हिदायत करनी थी। प्रोग्राम में मुल्क की मजबूती दिफाई अफवाज के तामीर में पीएसई के किरदार पर भी रोशनी डाली गई। प्रोग्राम के दौरान पीएसई के मुतअद्दद सीनियर साइंसदानों और आला फौजी अफसरान ने अपने खिताब में कई मुतअल्लिका खतरात और पीएसई के जानिब से किसी भी किस्म के हादसात को रोकने के लिए उठाए गए एहतियाती इकदामात पर जोर दिया गया। खासकर मकामी लोगों को समंदर के किनारे से किसी भी तरह के गोला बारूद या कोई भी ऐसी चीज जिससे खतरे को दावत देती हो उसे न उठाने की हिदायत दी गई। मकामी लोगों को ऑडियो विजुअल फिल्में भी दिखाई गई, पंपलेट भी तकसीम किए गए। लेक्चर ज्यादातर मकामी जबानों में थे ताकि मकामी लोग प्रोग्राम के मकासद को बआसानी समझ सके। खुड़ुपाई नोडल प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई। बच्चों ने इस्तकबालिया गीत गाया, हुब्बुल वतनी के थीम पर रक्स वगैरह पेश की। बच्चों को उनके जोश और खरोश पर पीएसई की जानिब से इनामात से भी नवाजा गया। रेंज सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय पीएक्सी डायरेक्टर और तंग टीम, वेरी गुड प्रोग्राम। एक्चुअली ये अंचल एक्चुअली आप जानते अंचल समुद्र कूल अवस्थित, वेरी क्लोज टू डिफेन्स एरिया। ताकर जेको कार्यक्रम हो लोक मानक दरकार अवेयरनेस प्रोग्राम लोक मैंने जानवे एक्चुअली कौन करवा दरकार कौन कर अनुचित, तेणु अवेयरनेस प्रोग्राम लोक मैंने जानवे, तेणु ये प्रोग्राम मध्यम से निश्चित जाने आगामी दिन में जिते जहाँ कार्यक्रम हम से सहयोग करेंगे। पीएक्सी समस्त अफिसर भी ये एक्चुअली कमिटमेंट कले एक्चुअली सब सहयोग कर लोकाल सपोर्ट बिना कौन कार्य संभव हेनी, तेणु अवेयरनेस प्रोग्राम लोक मैंने निश्चित सहयोग करेंगे और सेमती सफलता हम तक धन जीवन प्रथम सुरक्षा रोपर तक अन्न कार्यक्रम जारी रही निश्चित भाव समस्त को समस्त सहयोग कामना करी जहाँ एक्चुअली गाइडलाइन अच्छी आमर फायरिंग टाइम आम समस्त मानवा एवं जीवन केमी सुरक्षित रही चेष्टा कर। दो तीन बातें कहनी है। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए और प्रोग्राम का कवरेज कर रहे हैं, और बाकी सब लोगों का खुड़ुपाई ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम साहब है, एडीएम साहब है। हमारा एरिया दो तहसील में आता है जो एक्वायर्ड एरिया है, रेमुना और बालासोर सदर, उनका सबका एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, सबका धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम है हम ये बिलीव करते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट एंड ऑलवेज, लेकिन हम एक्सीडेंट की तो बात ही नहीं करें, हम तो इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। मतलब हिंदी में बोलते हैं दुर्घटना, एक्सीडेंट को दुर्घटना बोलते हैं और इंसिडेंट को घटना। हम तो घटना नहीं घटना चाहते सिवाय इसके कि जो हम कराना चाहते हैं। तो ये जो मकसद है उसके लिए सबका सहयोग जरूरी है और मिलता भी है, और उसी दिशा में ये अवेयरनेस प्रोग्राम की सबको अवगत कराए कि हम जो करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और आप सबका सहयोग किस चीज़ के लिए चाहिए, और जो भी सेफ्टी, सबका सुरक्षा कैसे हम अचीव करते हैं, और आप सबका यहाँ का लोकल पब्लिक का सहयोग से
और ज़्यादा हो, वो किसी के कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके सबको अवगत कराने के लिए और सबको अवेयरनेस लाने के लिए ये प्रोग्राम रिक्वेस्ट करेंगे। उनको बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये सबकी सुरक्षा, रेंज का पहला रूल है सेफ्टी, तो सेफ्टी सबका सेफ्टी, इक्विपमेंट का सेफ्टी, हमारे पर्सनल का सेफ्टी जो हमारे यहाँ रेगुलर काम करते हैं, और रेंज के अंदर जो भी लोग हैं सबका सेफ्टी हमारा जिम्मेदारी बनता है। और हमारा जिम्मेदारी हम अच्छे तरीके से निभा पाएंगे जब हर कोई सहयोग दे सबको, तो वही उनको यही सहयोग चाहेंगे कि आपका काम नहीं होता। नेसली सी बेल्ट में क्या होता है, यहाँ प्रॉब्लम सी बेल्ट बहुत फ्लैट है, आप जाके मोटरसाइकिल चला सकते हैं, फोर व्हीलर चला सकते हैं, लेकिन आप पहले तो आपका सुरक्षा का जिम्मेदारी, कुछ काम ना हो तो मत जाइए। और हाँ मैं बताऊँगा क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ का सी बेल्ट 4-5 किलोमीटर तक आप कई जगह में पैदल जा सकते हैं लो टाइड में। तो हम ये चाहते हैं, पहले तो हमारा सब फायरिंग होता है पूरा इसी एरिया में, तो जहाँ ज़्यादा पानी का गहराई ज़्यादा नहीं है, तो शिपिंग बोट फिशिंग तो मना नहीं, मना करना भी नहीं चाहिए और करना कोई करेगा भी नहीं, लेकिन वो 5 किलोमीटर के अंदर फिशिंग करें गहरे पानी में, जहाँ उनको भी यील्ड अच्छा फिश भी मिले। वो शैलो वाटर में कुछ ज़्यादा फिश मिलता नहीं, छोटा मोटा एक 10-20-50 ग्राम का फिश मिलता है, हमको पता है, हम देखते हैं क्या मिलता है उनको। ये जो एमिनेशन इसलिए दिखाया जाए कि आपको अगर कोई मिले तो, हमको पता है कबाड़ी के पास जाके 50 रुपये मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क कितना है ये हम अवगत करना चाहते हैं। पहले भी भाषण में बताया कि हम 15,000 से लगभग 22-23,000 तक गोले लगते हैं, हाँ, उसमें से केवल 500 से लेकर 800 तक गोले में एक्सप्लोजिव होता है, बाकी सब अंदर जो भरा होता है वो एक्सप्लोड नहीं होता है। और हमको चिंता उसी 500-700 गोलों की होती है कि 50-100 मीटर में कोई है तो आपको हो सकता है खतरा कि उसका कोई टुकड़ा आके आपको लगे, ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन कोई फॉर्मली नोटिस नहीं करता, कोई रजिस्टर नहीं करता। तो अगर कोई हाँ, तो हमें बोलते कि क्या होता है, हमेरिंग करते हैं और डिफेंस करते हैं बेचने से पहले, तो ऐसा ना करें। हम तो हर बार हमारे रेंज एरिया में भी हर जगह हम नंबर देते हैं कि आपको कुछ मिला और डाउट ही करो कि अच्छा नहीं है, सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, हमें बताएं। बिल्कुल खतरा है, जो हमारा आदमी आके बोलेंगे अगर खतरा नहीं तो ले जाइए, बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनसे छीन नहीं लेंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम छीनेंगे, अगर उसमें खतरे वाली चीज़ हम ले जाके खुद उसको लगी कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को आज ने अपने नहीं बिल्कुल, वो तो बच्चे आए थे, फोटो वीडियो जो भी निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज़ें फायर करते हैं और भी कुछ चीज़ें लाने पे हम लोग। तो ये दूसरी बात ये कि ये हमेशा हर 4-5 किलोमीटर में हम चाहते हो सके तो हर महीना आपको तकलीफ देंगे आने के लिए, हैं, तो सबसे सबकी सुरक्षा, बिल्कुल ही खतरा नहीं चाहिए किसी को, उसी के उपलक्ष में हम सब प्रयास किए, धन्यवाद। सुरक्षा सचेतनता दिवस उपरे आमे जो रखीछु आज कार्यक्रम एथेर दुईटी जिनस उपरे आमे गुरुत्व आरोप करूछु, गोटे हला देशर सुरक्षा पई सठिक समय रे निर्दिष्ट समय सीमा भितरे गला बारूदर सफल परीक्षण जी जरूरी आम प्रत्येक आमर परिवार प्रति आमर जीवन सेतिकी जरूरी केमिति निर्दिष्ट समय सीमा भितर समस्त प्रकार गला बारूदर सफल परीक्षण हो पार तथा या उपकूल अंचल रही जनवासी जीवन जीविका मध्य निर्वाह हो पार विषय में ये सचेतनता शिविर आयोजन कर देशर भविष्य आपने देखिथे से बहुत कौतूहलपूर्ण प्रश्न सबू पचारूल एवं सेमानकर मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही है पितामाता मान को बारंबार बुझेबे जे तुम्हें मैंने आम मान सबुठू इम्पोर्टेंट जड़े व्यक्ति दुनियापाई जड़े व्यक्ति हो पारे किंतु ता परिवार पई से सारा दुनिया यही जिनसटा प्रत्येक कोनी कोनी पिला उपलब्धि करी तांका पिला पितामाता को बारंबार जदि बुझेबे जे आम पई आपनकर जीवन बेसी मूल्यवान जीवन थिले ही आम जीविका निर्वाह करि परिबु ताले मध्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पारिबो एवं देशर सुरक्षा मध्य सुनिश्चित हो पारिबो।